दशकों से भारत वामपंथी उग्रवाद का दंश झेल रहा था। उग्रवादियों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में शांति भंग करने की कोशिश जारी थी। नक्सलवाद के हर फॉर्म को हमने पराजित करना पड़ेगा। बंदूक वाला भी है और कलम वाला भी नक्सलवाद, हमें इन सब का काट निकालना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के समूल नाश के लिए कार्य प्रारंभ किया और पूर्व की डिफेंसिव नीति को दरकिनार कर इन उग्रवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए एक व्यापक आक्रामक रणनीति अपनाई। इस नीति के तहत सुरक्षा बलों ने नए नए इनोवेटिव तरीकों से नक्सलियों को घेरा और एकजुट अभियान चलाया, जिसमें सुनियोजित सैन्य अभियान, खुफिया जानकारी, उग्रवादियों की फंडिंग पर निगरानी, सीमा नियंत्रण, जन जागरूकता, मजबूत कानूनी उपाय और सामुदायिक सहभागिता शामिल है। हम कगार पर है, वो दिन दूर नहीं कि देश वामपंथी उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो जाएगा। नक्सली उग्रवादियों की फंडिंग पर निगरानी से उनकी सक्रियता को कमजोर करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाकर महत्वपूर्ण जानकारियां साझा कर रही हैं। इसके साथ ही नक्सली फंडिंग चैनलों को रोकने के प्रयास में समन्वय के लिए प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। उग्रवादी पैटर्न, विसंगतियों और वित्त पोषण के संभावित स्रोतों की पहचान के लिए एकत्र किए गए डेटा का सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जा रहा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य उग्रवादी वित्तीय नेटवर्क को बाधित करना और वित्त पोषक पर कानूनी कार्रवाई करना है। केंद्र ने प्रभावित राज्यों के सरकारों के साथ समन्वय में सुधार करने के लिए कई सफल पहल की है। इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बटालियन, हेलीकॉप्टर, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न साधनों की मदद शामिल है, जिससे जनता को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। SRE योजना के अंतर्गत पिछले 4 वर्षों में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को 1,285 करोड़ रुपए जारी किए गए और केंद्र सरकार ने पिछले 9 वर्षों में SRE योजना के तहत धन के रिलीज में लगभग 124% की वृद्धि की। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों को 4 वर्षों में 73 करोड़ कैंप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और 6 अस्पतालों के उन्नयन के लिए 12,06,00,000 की सहायता मिली है। उग्रवाद से जुड़े अपराध कानूनों को मजबूत किया गया। त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में नक्सल संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में गृह मंत्री अमित शाह की बनाई आक्रामक रणनीति ने नक्सल उग्रवाद के खिलाफ माहौल ही बदल दिया। काठमांडू से तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने की बात करने वाले वामपंथी उग्रवाद अब कुछ ही जिलों तक सिमट कर रह गए हैं। ये एक ईमानदारी से क्रियान्वित आक्रामक रणनीति की शक्ति का प्रमाण है कि हिंसा को समाप्त कर स्थायी शांति स्थापित करने के सपने को साकार किया जा रहा है।